अच्छा, इसमें अंशुमन एक चीज कही तुमने कि बीच बीच में मोटिवेट होने के लिए टेस्ट दे दें, लेकिन बच्चे जनरली डिमोटिवेट हो जाते हैं टेस्ट दे के, नंबर नहीं आते हैं जब, तो वो क्या उसकी कहानी है, वो कैसे करते थे? एक तो आपको याद होगा मटेरियल साइंस का डेंसिटी वाला क्वेश्चन आया था, एफसीसी मटेरियल की डेंसिटी निकालनी थी। मैं दिमाग में सर 4 से मल्टीप्लाई कर रहा था, कैलकुलेटर में डिवाइड किया मैंने, सीधा 16 गुना का फर्क आया। सबकी अपनी अपनी स्किल है मेंटल कैलकुलेशन की, शकुंतला देवी की एक अलग स्किल है मेंटल कैलकुलेशन की, हम लोगों की कुछ अलग स्किल है। अंशुमन, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर ग्रेट रैंक इन गेट 2023। सबसे पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ। मैं बहुत बहुत एवरेज स्टूडेंट था बचपन में, आई हैड ओनली वन इंटरेस्ट, दैट वाज लिटिल बिट इन मैथमेटिक्स, सो आई वाज वेरी कीन कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है बचपन से, एंड मुझे बचपन से ही था कि 11th 12th में, ऑल्दो मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड था 11th 12th में पढ़ने में, मैथ्स में उधर भी डिसेंट था, बट फिर 12th में थोड़े ठीक नंबर आने के बाद फैमिली ने कहा यू शुड टेक अ ड्रॉप एंड फिर से जेई की तैयारी करो, एंड उसमें भी थोड़ा झनका नहीं हुआ मेरा, बट जितना हुआ उससे मैं पंजाब यूनिवर्सिटी UIT में BE मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पहुंच गया। एंड क्योंकि मेरी मेरी एक बड़ी बहन भी है, उन्होंने अपने टाइम पे गेट की प्रिपरेशन की थी, तो मुझे आइडिया था कि गेट का एग्ज़ाम होता है फर्स्ट ईयर से ही। एंड जब मैं 2019 में पहुंचा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, देन 2020 में लॉकडाउन लग गया था, एंड हमें काफ़ी ज़्यादा रिलीव था स्ट्रेस कॉलेज से, इतना स्ट्रेस नहीं था, तो मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी गेट की अपनी। फिर जब 2022 में मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था अपना गेट का, दैट वॉज ऑल इंडिया रैंक 2091 इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड 222 इन इंजीनियरिंग साइंस इन माई थर्ड ईयर। अंशुमन, जैसे 11 12th के वक्त JEE की प्रिपरेशन की थी, JEE की, और उसमें ऑब्वियसली मैकेनिक्स एक अच्छा खासा कंपोनेंट होता है फिजिक्स का, वो जो नॉलेज थी उस टाइम पे जो गेन हुई होगी IIT की प्रिपरेशन से, JEE की प्रिपरेशन से, और अभी जैसे बताया कि मैकेनिक्स से स्टार्ट किया तुमने, तो उससे कुछ मदद मिली इस प्रिपरेशन में, उन कॉन्सेप्ट्स का कुछ यहाँ पे हेल्प मिली? ये सर, एक्चुअली ये बहुत बहुत चीज़ें मैटर करती हैं कि अगर हमारे बेसिक्स अच्छे हैं 11th 12th के, जो 11th 12th में मेरे इतने अच्छे नहीं थे, मैंने एक साल ड्रॉप लिया था, उसमें मैंने थोड़ी बेसिक्स पे काम किया था अपने मैथमेटिक्स और फिजिक्स के बेसिक्स पर, एंड इनकी बहुत हेल्प रहती है, ये आपको थोड़ी सी लेवरेज दे देती हैं औरों से, कि मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स तो आप कह सकते हो कि वही जो मैकेनिक्स हमने 11th में पढ़ा था, वही 80-90% वही मैकेनिक्स है, बट विद फ्यू मोर एप्लीकेशंस एंड फ्यू मोर एंड वेरी मच मोर देट जो करेक्ट करेक्ट, जैसे वाइब्रेशंस है, पूरा वाइब्रेशंस हम SHM में पढ़ते हैं 11th 12th के एंड में, एंड वही सारा वाइब्रेशन, उस वाइब्रेशंस एंड वेव्स पढ़ते हैं हम एक्चुअली, SHM एंड वेव्स पढ़ते हैं, जो SHM का सारा पार्ट है वो वाइब्रेशंस में पढ़ते हैं, विद अनडैम्ड वाइब्रेशन एक्चुअली थोड़ा सा ज्यादा होता है हमारा सिलेबस। सिलेबस की बात तो यू टोल्ड कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग मैथ्स ये सब थोड़ा सा बचा हुआ था, उसमें कमांड नहीं थी, वो आया, ऑब्वियसली सिलेबस आप अगर पूरा कवर करोगे आपके मार्क्स बेटर आएंगे, परफॉर्मेंस बेटर होगी, बट उसके अलावा क्या ऐसा डिफरेंस फील होता है जो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बना एक अच्छे अटेम्प्ट में एज कम्पेयर टू प्रीवियस अटेम्प्ट्स? ओके सर, एक था कि हमें जो एक गलती मैंने इस बार भी की है वो नहीं करनी चाहिए, दैट इज गेट को प्रिडिक्ट करने की ट्राई नहीं करनी चाहिए, कि गेट में इसी से क्वेश्चन आता है, हम यही पढ़ के चले जाते हैं, ये नहीं करना चाहिए। ये मुझे इस बार मैंने थोड़ा सा ट्राई किया था मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा करने का, एंड नहीं हुआ ऐसा, पता ही है सबको मैन्युफैक्चरिंग में स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो नहीं जो आते थे वो नहीं आए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके अलावा हमें थोड़ा इनडेप्थ चीज़ें पढ़नी चाहिए, फॉर्मूला रख के काम नहीं होता, हमें कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, वो एक्चुअली गेट में आपको, अब आप गेट में जैसे कि 2022 में डेरिवेशंस के बीच में से क्वेश्चन आए थे ट्रांसफर, एंड अगर किसी ने डेरिवेशन नहीं पढ़े हुए वो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाएगा, हमें अब थोड़ा सा डेप्थ में जाने की जरूरत है अगर गेट का अच्छा अटेम्प्ट देना है। उसके अलावा थोड़ा हमें
मोटिवेटेड रहने के लिए टेस्ट टाइम टू टाइम देने चाहिए, इससे हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी वैल्यूएट भी हम करते रहते हैं, हमें थोड़ी गलतियां पता लगती रहती हैं। एंड एक जो 2022 में मैंने वर्चुअल कैलकुलेटर है उसको मैंने यूज़ करना शुरू किया था एक महीने पहले से, 2022 के गेट के एक महीने पहले से, बट मुझे थोड़ा लगा कि उसके कारण मेरी स्पीड पे थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। एंड मैंने जब 2022 के 2023 तक मैंने एक रिचुअल बना लिया था, अगर मैं गेट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं अपना कैलकुलेटर यूज नहीं करूंगा, मैं वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करूंगा अपने कंप्यूटर पर। उसने मेरी बहुत हेल्प की क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग साइंसेज का पेपर भी ऑलमोस्ट 20 मिनट्स पहले मैं अटेम्प्ट कर चुका था जितना मुझे करना था, एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी 15-20 मिनट पहले मेरा खत्म हो चुका था जितना मुझे करना था। सही बात है एकदम। वर्चुअल कैलकुलेटर एक्चुअली एक शुरुआत में हर्डल है क्योंकि आदत नहीं होती है, और फिजिकल कैलकुलेटर की आदत होती है, अच्छा भी लगता है थोड़ा टक 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 दबा के उस पर कैलकुलेट करने में, लेकिन आदत आप जितनी जल्दी बना लो वर्चुअल कैलकुलेटर की उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, और 2-3 नंबर भी अगर उससे बढ़ते हैं तो बहुत बड़ा मार्जिन क्रिएट होता है 2-3 नंबर से भी गेट में। एंड जितना हम ज्यादा वर्चुअल कैलकुलेटर हम यूज करते हैं ना, हमें उसकी थोड़ी सी पता लगता है इसकी लिमिटेशंस क्या है, ये कितना बड़ा एक्सप्रेशन हैंडल कर लेगा बिना कोई ग्लिच के। करेक्ट करेक्ट, कहाँ पे आपको फिर कैलकुलेशन स्टॉप करके उसको नंबर लिख लेना है और फिर से जीरो से स्टार्ट करना है, कितना वो कॉम्प्लिकेशन हैंडल कर पाएगा। तो ये भी ऐसी चीज है जो आप यूज कर करके आपको पता चलेंगी। शुरू से ही हैबिट देखो, स्टार्टिंग में हम सब नहीं पढ़ा है, इनर्शिया होता है किसी भी चीज में, शुरू में इनर्शिया रहेगा, एक बार आप उसको ओवरकम कर लोगे वर्चुअल कैलकुलेटर के इनर्शिया को, फिर आपकी और परफॉर्मेंस और स्पीड उसमें बढ़ती चली जाएगी। थोड़ा ट्राई करना चाहिए कि हमें थोड़ी स्पून फिटिंग की आदत कम लगनी चाहिए गेट की प्रिपरेशन में, कि हर कॉन्सेप्ट हमें बता दिया कि ओके ये वाले टाइप का क्वेश्चन आया तो इस तरह सॉल्व करना है, ये थोड़ा हमें कम करना चाहिए क्योंकि कुछ ना कुछ नया तो रहेगा ही गेट के पेपर में, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको अप्लाई कैसे करना है। एक तो हो गया कि हमें बता दिया कि इसको ऐसे अप्लाई करना है, एक हो गया कि हम कुछ समझते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए कैसे अप्लाई करूँ मैं इस चीज को, एक वो थोड़ी आदत डेवलप करनी चाहिए हमें प्रिपरेशन की। करेक्ट करेक्ट, वो जो स्किल है न्यूमेरिकल सॉल्विंग की वो जरूरी है आपको डेवलप करना, क्योंकि गेट अनप्रेडिक्टेबल है कि कौन सा क्वेश्चन आ जाए, कैसा क्वेश्चन आ जाए, तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये टॉपिक से आएंगे। इट्स बेटर दैट यू प्रिपेयर योरसेल्फ इन जनरल रादर देन स्पेसिफिक चीज़ों में अपने आप को एक्सपर्टीज मानने की कोशिश करना। यस सर, यस। अच्छा, इसमें अंशुमन एक चीज़ कही तुमने कि बीच बीच में मोटिवेट होने के लिए टेस्ट दे दें, लेकिन बच्चे जनरली डीमोटिवेट हो जाते हैं टेस्ट दे के, नंबर नहीं आते हैं जब, तो वो क्या उसकी कहानी है, वो कैसे करते थे? हाँ सर, एक्चुअली देखने के दो नजरिए, एक तो है कि आपके कम नंबर आ रहे हैं आप डीमोटिवेट हो जाओ, यार ये भी मैंने नहीं पढ़ा था, ये चीज मैं नहीं कर पाया, या है आप सोच लो शुक्र है मुझे 7 महीने पहले 8 महीने पहले मुझे पता लग गया ये चीज में मैं गलती कर रहा हूँ, अगर ये चीज मुझे 1 या 2 महीने पहले पता लगती दैट कुड हैव बीन अ ब्लंडर फॉर थोड़ा इस चीज से। एंड विद ड्यू टाइम आप टेस्ट सीरीज में अच्छा कर सकते हो, कि नॉट स्पेसिफिक टू एनी सब्जेक्ट, कि आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की टेस्ट सीरीज देनी शुरू की, आपने स्टार्टिंग में देखा कि आपने थोड़ी कंसेप्चुअल मिस्टेक किया या आपने थोड़ी सीरी मिस्टेक कर दी, और उसके बाद मान लो 3-4 टेस्ट के बाद आप सॉम के टेस्ट देने लग गए हो, एंड देन आप थोड़ा देखोगे कि ऑल्दो आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में थोड़ी सिली मिस्टेक्स की थी, बट सिली मिस्टेक्स अगर आप थोड़ा काम करते हो सॉम में भी आपकी कम होंगी सिली मिस्टेक्स, कि वो थोड़ी हैबिचुअलिटी बन जाती है थोड़ा सा कॉन्शियसनेस से चीजें सॉल्व करना, कि मैं बहुत ध्यान से कर रहा हूं, क्योंकि जो सिली मिस्टेक है उनके कई सारे सिली मिस्टेक के रूट कॉज जो है वो लैक ऑफ फोकस एक तरीके से है उस मोमेंट में, या क्वेश्चन आप सॉल्व जो कर रहे हैं बट माइंड में चल रहा है कि पिछला कैसा हुआ, सही हुआ कि नहीं हुआ, टेस्ट कैसा जा रहा है, सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो जब यहाँ पे ध्यान जाता है तो फिर आप छोटी छोटी चीज मिस कर देते हो कैलकुलेशन में, प्रोसेस में, और सिली मिस्टेक हो जाती है। एक ऑब्वियसली ये सब शेयर करना चाहूंगा, एक मैंने सिली मिस्टेक के पेपर में भी की थी एक सर, आपको याद होगा मटेरियल साइंस का डेंसिटी वाला क्वेश्चन आया था, एफसीसी मटेरियल की डेंसिटी निकालनी थी, राइट, मैं दिमाग में सर 4 से मल्टीप्लाई कर रहा था कैलकुलेटर में डिवाइड किया मैंने, एक क्वेश्चन था ना सीधा 16 गुना का फर्क आया, एंड मैं सोच रहा हूँ कि एल्यूमिनियम की डेंसिटी 2800 होती है, इसकी 156 कैसे आ रही है
मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो रहा था वहां पे, तो मैंने, हाँ जी सर मैंने डिवाइड कर दिया, एक्चुअली मल्टीप्लाई करना था, सीधा 16 गुना का फर्क आया। भाई भाई भाई, तो वो भी एक एक्चुअली यहाँ दो चीज़ें हैं सीखने वाली, एक तो ये है कि भाई आपको वैल्यू पता भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत। अब अगर आपको मटेरियल्स की वैल्यू ही नहीं पता कि भाई 156 कैसे हो सकती है यार इसकी एल्यूमिनियम की डेंसिटी, तो आप तो कहोगे कि सही आ गया चलो नेक्स्ट। तो ये आपको प्रैक्टिकली, जैसे आपको हाइट लेंथ ये सब की फील है कि अच्छा ये लेंथ ज़्यादा है ये लेंथ कम है, ये वेट ज़्यादा है ये वेट कम है, वैसे ही आपको विस्कोसिटी डेंसिटी इन सब की भी एक फील होनी चाहिए कि यार ये ज्यादा विस्कोसिटी है कम, ये ज्यादा डेंसिटी है कम डेंसिटी है। अब विस्कोसिटी मान लो कि सिर्फ फ्लूइड की 5-6 आ रही है, थोड़ा सोचने की बात है उसमें कि 5-6 कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है ये एग्जैक्टली। तो ये चीजें आपको ये भी डेवलप करनी जरूरी है, साथ ही साथ जो सिली मिस्टेक वाली बात अंशुमन ने बोली ये भी बिल्कुल पॉसिबल है कि चल रहा है डिविजन और या मल्टीप्लीकेशन कर दिया डिवीजन, और ये मैं बेसिक बताता हूँ, ये टाइपिंग में भी बहुत बार होता है, आप लिख रहे हो कुछ चल रहा है माइंड में कुछ और टाइप कुछ और हो गया, जब आप सोचते सोचते टाइप करते हो, ये मैंने देखा है अपने साथ भी होते हुए। ये एक बेसिक चीज है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ सब्जेक्ट, इट इज अ बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी दैट इफ यू आर नॉट फोकसिंग एग्जैक्टली ऑन दैट स्टेप, उस लाइन पे, उस कैलकुलेशन पे, उस क्लिक पे अगर आपको फोकस नहीं है तो यहाँ वहाँ गलती होंगी और एरर हो जाएंगे। ऐसा इस बार के गेट में बहुत सारे स्कोप थे ऐसे क्वेश्चंस के। तो ये जो प्रोसेस रहा टेस्ट का, टेस्ट अटेम्प्ट हुआ जैसे कोई फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद जो जो भी एरर्स हुए, जो जो भी मिस्टेक्स हुई, उसको ये कैसे इंश्योर किया कि वो इम्प्रूव हो आने वाले टेस्ट में, आने वाले अटेम्प्ट में? सर ये तो थोड़ा माइंड कैलकुलेशन थोड़ी लिमिटेड ही करनी चाहिए, ज़्यादा माइंड कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए। एंड मैंने एक थोड़ी चीज रियलाइज की कि थोड़ा सा अगर मैं 2 लाइन ज़्यादा लिख लूंगा तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत होने से बच जाएगा, ये कॉन्सेप्ट गलत अप्लाई नहीं होगा। एक सही बात है, यानी कि जब सॉल्व हो रहा है वो तब जब टेस्ट में मैं सॉल्व कर रहा हूँ 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी तो क्या हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मतलब जब व्हेन यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन, सॉल्व करते वक्त इफ आई अंडरस्टूड योर पॉइंट करेक्टली, ज्यादा दिमाग में कैलकुलेशन करके एक दो स्टेप स्किप करके करने से बेटर है कि आप लिख दो ठीक ठीक वहां पे एक लाइन एक्स्ट्रा ही लिख दो, लगेगा 10 सेकेंड और, लेकिन एरर नहीं होगा क्वेश्चन में। यस सर यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही सही पॉइंट है, स्पेशली उनके लिए जो थोड़े बिगिनिंग फेज में है या ऐसे फेज में जिन्हें लगता है वो ऐसी मिस्टेक कर देते हैं कैलकुलेशन में यहाँ वहाँ। देखो मुझे भी ये लगता है मेंटल कैलकुलेशन एक इट इज अ पर्सन टू पर्सन थिंग, मतलब किसी को सही होती है किसी की नहीं होती है। तो अगर ऐसा नहीं कि आपके किसी दोस्त ने बोला यार मैं तो मेंटल कैलकुलेशन करके ना टाइम बचा लेता हूँ, तो आपने कहा यार सही लग रहा है फंडा मैं भी करता हूँ, तो ऐसा नहीं करना है, सबकी अपनी अपनी स्किल है मेंटल कैलकुलेशन की, शकुंतला देवी की एक अलग स्किल है मेंटल कैलकुलेशन की, हम लोगों की कुछ अलग स्किल है। लिख के उसमें एक दो स्टेप लगे बट कर लो, किसी की देखा देखी नहीं करनी इसमें, है ना? सॉरी सर जो लास्ट पॉइंट, भाई भाई किसी की देखा देखी नहीं करनी है, मतलब2-3 दिन में एक टेस्ट दे देता था फुल एंड टेस्ट, एंड एक बार आपने बताया भी था कि आप एक्सर्जिक में जाकर दे सकते हो, एक गेट लेवल पे टेस्ट है, थोड़ा उससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। मैंने वो भी किया था अपने जो मैंने लास्ट टेस्ट दिया था, आई गेस मैंने वही दिया था कि लास्ट के तीन जो थे एफएलटीज उसमें से मैंने कहा था, हां जी सर उनमें से एक मैंने वही दिया था लास्ट जो मैंने टेस्ट दिया था, एंड 4-5 दिन पहले मैंने टेस्ट देने छोड़ दिए थे गेट के एक्चुअल पेपर के, एज मैंने जनवरी तक ही टेस्ट दिए थे तब में मैंने कोई टेस्ट नहीं दिया, एंड थोड़ा प्रेशर फील होता है, बट इससे ये नहीं है कि टेस्ट देना बंद कर दो, टेस्ट देने हैं 2-3 दिन में 3-4 दिन में भी एक देना अच्छी बात है कि टेस्ट देना चाहिए। करेक्ट। अच्छा अंशुमन इसमें जैसे आई थिंक दिस वाज योर थर्ड अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट सर, यस सेकंड अटेम्प्ट, तो कंपैरेटिवली प्रेशर शायद उतना ज्यादा नहीं होगा क्योंकि 2-3 अटेम्प्ट तक तो बच्चे जाते ही हैं जनरली, लेकिन अगर जस्ट इन केस अटेम्प्ट नहीं होता खराब रहता तो उसके बाद कुछ बैकअप माइंड में प्लान था या क्या सोच रखा था? प्लेसमेंट हो रखी थी प्लेसमेंट हो रखी थी, दैट्स ग्रेट, क्योंकि
प्रेशर रिलीव आई थिंक उससे होता है सर, मैं बहुत बहुत होता कि नहीं हुआ तो प्लेसमेंट तो है ही है, एक साल और कर लेंगे प्रिपरेशन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, दिस इज समथिंग दैट आई हैव सीन इन मेनी अदर स्टूडेंट्स एज वेल, कि जब कोई स्पेशली बैकअप रहे, अब एक्चुअल बैकअप ना हो तो आपको माइंड को प्रिपेयर करना है उसके लिए कि भाई चलो कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ तो कुछ और सही, गेट नहीं तो नेक्स्ट एग्जाम कोई होगा, जितना कम प्रेशर रहता है आई हैव सीन कि उतनी बेटर परफॉर्म करते हैं लोग। यस सर, एक्चुअली जब लास्ट ईयर गेट का मैंने पेपर दिया था तब मैं इतना प्रेशर में नहीं था, क्योंकि मुझे पता था मैंने प्रोडक्शन, मैं प्रोडक्शन कर ही नहीं पाऊंगा। एक क्वेश्चन भी मैंने अटेम्प्ट किया, मैं बहुत खुश था कि मेरा एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया प्रोडक्शन का लास्ट ईयर 2022 में। बट प्रेशर ना होने के कारण ये हुआ कि एक ट्रांसफर बहुत मुश्किल आया था लास्ट ईयर, एंड आई मेड श्योर कि प्रेशर नहीं है तो मैं बहुत काम भी सॉल्व करूंगा क्वेश्चन जो भी मुझे आते हैं। सही बात है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए दैट टू कीप देयर माइंड फुल, प्रेशर ना फील करते हुए अटेम्प्ट को आगे बढ़ाएं। ओवरऑल जो प्रिपरेशन जर्नी रही अंशुमन, उससे क्या ऐसे एक दो टिप्स हैं जो लगता है कि गेट एस्पिरेंट्स के लिए काम आ सकते हैं उनसे, या ऐसे कुछ क्वालिटीज जो लगता है गेट एस्पिरेंट्स में होनी चाहिए, ये दो एक दो चीज़ें तो वो क्या होंगी? एक है सर, नेवर गो फॉर शॉर्टकट्स, ट्रिक्स के लिए ज़्यादा नहीं करना चाहिए। एक सब्जेक्ट में एक आधी चलती है बट ज़्यादा ट्रिप्स एंड ट्रिक्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, एंड उसके अलावा थोड़ा हमें कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना चाहिए, न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी, एंड प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए गेट का सारा सिलेबस हमें कवर करना, जितना हम कवर कर सकते हैं उतना कवर करना चाहिए, प्रिडिक्ट ना करो गेट को, ये आएगा ये नहीं आएगा, ये IIT बना रहे तो क्या होगा, ये ISC बना रहे तो क्या होगा, वो सर कहने की बात होती है, वो तो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट की बात होगी, बनाना तो सभी exactly. ने होता है बनाना तो सबने मिल के है, IIT कानपुर के प्रीवियस जितने भी पेपर्स बनाए थे वो सारे सॉल्व कर लो, ये IIT कानपुर बना रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स मुश्किल आएगा, ये सब कहने की बात होती है। एग्जैक्टली, क्योंकि आप मतलब ये चीज मैं आज तक मैंने कभी कोई भी एक भी YouTube वीडियो नहीं बनाया है इस बारे में कि IIT बना रहा है ये तो कैसे होगा, बट मैं देखता हूँ कि इस बारे में YouTube वीडियो चल रहे हैं, बच्चे क्वेरी मुझे पूछ रहे हैं ये IIT बना रहा है कैसे होगा, तो भाई ऐसे थोड़ा ना होता है कि एक IIT ने बनाया सारा पेपर फिर वो 7 साल तक सो रहा है फिर वो बनाएगा 8 साल बाद, ऐसे तो एग्जाम सही से कंडक्ट ही नहीं होगा ना, हर साल एक ग्रुप ऑफ फैकल्टीज एंड ग्रुप ऑफ पैनल कंडक्ट करा रहा है, बस कुछ क्लेरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है जो ऑर्गेनाइज करने के लिए चाहिए होते हैं, जैसे नोटिफिकेशन निकालना और जो भी टेस्ट सेंटर के लिए बिट कर, वो सब में एक स्पेसिफिक IIT है जो कि आगे है, विच इज मे बी किसी सार IIT कानपुर, किसी सार ISC, तो उस चीज को आप प्रेडिक्ट मत करो, प्रेडिक्ट ना करने का ही एक लिंक है कि यार ये IIT बना रहे तो कैसा है, ये सब फालतू की बात है। ये और वो IIT है, IIT को पता है अगर ऐसा होने लग गया तो बच्चे तो NPTEL के वीडियोस देख के चले जाएंगे बिल्कुल कि ये IIT ने बनाया है तो ये आएगा yes, sir. उनको पता है बच्चा का दिमाग है। करेक्ट, यू आर राइट, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है आपको। आई एम श्योर जो भी टिप्स और पॉइंट्स अंशुमन ने शेयर किए हैं वो पॉइंट्स आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी प्रिपरेशन में, उससे अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अंशुमन तुमको भी कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर करियर अहेड। थैंक यू सर, थैंक यू।